हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेटवर्क 10 के विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी ने सीएम से सवाल पूछा। सीएम मनोहर लाल ने राजकुमार चौधरी का नाम लेते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। राजकुमार जी, चौधरी लिखते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा है? मित्रों, ये भी मैंने पहले बताया है कि मीडिया चीजों को जिस ढंग से आगे रखना चाहे उनको पूरी छूट भी है, रख भी सकते हैं, रखते भी हैं, लेकिन कोई एक अवसर ऐसा अवसर आ जाता है उस समय हमें अपनी एक लाइन लेके चलना चाहिए नीचे से ऊपर तक कि ये अब मीडिया का रोल ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों का विश्वास बहाली कराएं, लोगों में आत्मविश्वास जगाएं, एक पॉजिटिवनेस के नाते से हौसला कैसे बना रहे, ये बहुत जरूरी है। हालांकि मीडिया के सारे उद्देश्य में जब हम सामान्य दिनों में करते हैं तो हर बात की क्या कमी रह गई है, उसमें क्या और सुधारा जा सकता है। मीडिया एक चेतना करने वाला एक ऑर्गन है, वो सरकार की आलोचना उस समय अच्छी लगती है, लेकिन आज हम सब अच्छी चीजें क्या हो रही हैं? अगर मान लो आज अगर 14,000 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इतनी संख्या बढ़ गई है, वहां पर 12,000 लोग 11,000 लोग ठीक हुए हैं, ये भी हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए। इतनी भयंकर बीमारी में हम अपना जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसको 1% से भी कम रख पाए हैं, क्योंकि जो सामान्य इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब 2%, 2.5%, 3% हो जाती है तो उसमें कमी को देखी जा सकती है कि भी हम अपने लोगों को बचा नहीं सके, लेकिन अगर इतना कम दर में भी हम अपने व्यवस्थाओं को संभाल पाए हैं तो ये चीज प्रोजेक्ट करने लायक है। तो इसलिए हम लोग जरूर, मीडिया के लोग, इस विषय को आगे बढ़ाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है।